Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In today's lecture, we will study chapter number 3, that is data communication, or isko hum cover karenge up to types of data transmission. Aur iske alawa hum iske andar number system conversion ko bhi dekhenge. Jo jo topics is lecture ke andar hum cover karenge, unme hamare paas hain data communication aur iske components, uske baad signal aur iske types, types of data, encoding schemes, modes of data communication. Modes of data communication karne ke baad hum types of data transmission ko study karenge. उसके बाद वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट, फिर नंबर सिस्टम कन्वर्जन, और नंबर सिस्टम कन्वर्जन के अंदर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनकी कन्वर्जन करेंगे हम डेसिमल के अंदर. सिमिलरली हेक्साडेसिमल की बाइनरी के अंदर और ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन, उसके बाद ऑक्टल की बाइनरी और हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन. टेस्ट के अंदर भी आपको यही कन्वर्जन आएंगी, इसके अलावा और कन्वर्जन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. डेटा कम्युनिकेशन आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम डाटा को एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है. इसके पांच कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिनमें एक हमारा मैसेज है. आप जो भी डाटा सेंड करते हैं वो डाटा आपका मैसेज कहलाता है. उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आपका सेंडर है. आपका वो डिवाइस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेगा, सेंडर कहलाएगा, और इसको हम सोर्स भी बोलते हैं. तीसरा कंपोनेंट हमारे पास रिसीवर है. वो डिवाइस जो डाटा को रिसीव करता है रिसीवर कहलाता है, और इसको हम सिंक भी बोलते हैं. सिमिलरली उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल है. ये आपका फिजिकल पाथ होता है जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसमिट होता है. उसके बाद हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है इनकोडर और डिकोडर. इनकोडर आपका वो डिवाइस होता है जो डाटा को किसी ट्रांसमिटेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है. सिमिलर डिकोडर उसका ऑपोजिट प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो ट्रांसमिटेबल फॉर्मेट को ओरिजिनल डाटा के अंदर कन्वर्ट करके दे देता है. सिग्नल आपकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है वो वेव आपकी सिग्नल कहलाती है. सिग्नल की दो टाइप्स हैं हमारे पास, जिनमें एक डिजिटल सिग्नल है और एक एनालॉग सिग्नल है. डिजिटल सिग्नल जो है ये ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस को इस्तेमाल करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर हो सकते हैं. जबकि एनालॉग सिग्नल जो हैं ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव. और इनकी एग्जांपल में हमारे पास लाइट वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं और माइक्रोवेव्स हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें एक फ्रीक्वेंसी है और एक एम्पलीट्यूड है. फ्रीक्वेंसी एक्चुअली नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं जिनमें आपका सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है. सिमिलरली एम्पलीट्यूड एक्चुअली आपकी हाइट ऑफ वेव होती है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा है जो कि हम डाटा कम्युनिकेशन के अंदर सेंड कर सकते हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट है. ये कंसिस्ट करता है वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर और पैराग्राफ्स के ऊपर. दूसरे नंबर पे हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है जो कंसिस्ट करता है न्यूमेरिक डिजिट्स के ऊपर, जो कि 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं. तीसरी टाइप हमारे पास इमेज की है, जिसके अंदर चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स और फ्री हैंड ड्राइंग्स हैं वो इंक्लूडेड होती हैं. फोर्थ नंबर पर हमारे पास ऑडियो है, जिसके अंदर कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है. और पांचवी टाइप हमारे पास वीडियो की है, जो कंसिस्ट करती है कंटिन्यूसली मूविंग पिक्चर्स के ऊपर. उसके बाद एमसीक्यू है. फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स द सोर्स एंड रिसीवर इज नोन एज. ऑप्शन अल्फा के अंदर है कम्युनिकेशन चैनल, ऑप्शन बीटा के अंदर है डिकोडर, ऑप्शन चार्ली के अंदर है एनकोडर, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है नन ऑफ दीज. क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखें तो उसमें पूछा गया हमसे कि वो फिजिकल पाथ जो कनेक्ट करता है किसको, सोर्स को रिसीवर के साथ, इज नोन एज, कि उसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या. तो हमें पता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम जो है एक्चुअली वो आपका फिजिकल पाथ होता है जो सोर्स को और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करता है. तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास अल्फा है. इनकोडर एक्चुअली आपका वो डिवाइस है जो डाटा को ट्रांसमिटेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और डिकोडर आपका वो डिवाइस है जो ट्रांसमिटेबल फॉर्मेट में जो डाटा है उसको ओरिजिनल डाटा के अंदर कन्वर्ट करेगा. तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास अल्फा है, दैट इज़ कम्युनिकेशन चैनल. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड. ऑप्शन अल्फा के अंदर है टाइम पीरियड, ऑप्शन बीटा के अंदर है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन चार्ली के अंदर है फ्रीक्वेंसी, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है नन ऑफ दीज. क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि एक वेव इतने नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप को रिपीट करती है ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, वो क्या कहलाता है. तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास एक टाइम इंटरवल है, फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 सेकेंड्स हैं, और एक सिग्नल जो है वो 2 सेकंड्स के अंदर अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है और 1 सेकंड के अंदर अपने आप को 1 बार रिपीट कर रहा है. तो आपका वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर आपका सिग्नल अपने आप को 1 बार रिपीट करे वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है. और विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम
फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स का है, उसके अंदर जितनी बार वो अपने आप को रिपीट करता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाता है। और किसी भी पॉइंट के ऊपर ये गिवन टाइम इंटरवल के अंदर उस सिग्नल की जो हाइट होती है वो हाइट उसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो इट मीन चार्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। इनकोडिंग स्कीम आपका वो मैकेनिज्म जिसके अंदर आप डाटा को बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इनकोडिंग स्कीम्स कहलाता। हमारे पास नॉर्मली आजकल 4 किस्म की इनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें एक BCD है। BCD एक्चुअली आपका 4-बिट कोड है और इसके अंदर ईच डेसिमल डिजिट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइनरी डिजिट्स को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड टाइप जो है हमारे पास EBCDIC है, इसको IBM ने डेवलप किया है और इस 8-बिट कोड को इस्तेमाल किया जाता है और ये 256 डिफरेंट करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। थर्ड टाइप जो है हमारे पास ASCII की है, ASCII को ANSI ने डेवलप किया है। इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, एक 7-बिट कोडिंग स्कीम है और एक 8-बिट ASCII है। 8-बिट ASCII को हम एक्सटेंडेड ASCII भी बोलते हैं और 7-बिट ASCII के अंदर हम 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि 8-बिट ASCII के अंदर हम 256 डिफरेंट करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद 4th टाइप हमारे पास यूनिकोड की है, ये 16-बिट कोड होता है और इसके अंदर 65536 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और आजकल ये रैपिडली ASCII कोड को रिप्लेस कर रही है। मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आपका वो वे जिसके अंदर आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। हमारे पास मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन 3 टाइप्स के हैं, जिनमें एक सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स के अंदर जो डाटा का फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डायरेक्शन के अंदर है और ये सेम उसी मैनर के अंदर ऑपरेट करता है जिसके अंदर आपकी 1-वे स्ट्रीट की कम्युनिकेशन या 1-वे स्ट्रीट के अंदर ट्रांसमिशन होती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास TV ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है और रिमोट कंट्रोल की TV के साथ कम्युनिकेशन है। उसके बाद हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड है, जिसके अंदर डाटा जो है दोनों डायरेक्शंस के अंदर फ्लो तो कर सकता है लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो करेगा। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास इंटरनेट सर्फिंग है और वॉकी टॉकी वगैरह। उसके बाद 3rd मोड हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड है, जिसके अंदर डाटा जो है एट द सेम टाइम दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकता है और ये सेम उसी मैनर के अंदर ऑपरेट करता है जैसे आपकी 2-वे लेन रोड होती है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास टेलीफोन क्रॉस टॉक है, उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह है। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हमारे पास 2 टाइप्स की डाटा ट्रांसमिशन होती है, जिनमें एक पैरेलल है और एक सीरियल है। पैरेलल ट्रांसमिशन में ग्रुप ऑफ बिट्स को हम एट द सेम टाइम सेंड करते हैं ओवर मल्टीपल वायर्स। इसके अंदर ईच बिट के लिए हम सेपरेट लाइन को यूज़ करते हैं और इसकी एग्जांपल में कंप्यूटर और प्रिंटर की कम्युनिकेशन आती है। उसके बाद हमारे पास सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर हम एक बिट को एट द सेम टाइम सेंड करते हैं और इसके अंदर करेक्टर्स बिट्स जो हैं उनको हम सिक्वेंशली सेंड करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास टेलीफोन लाइंस कम्युनिकेशन है। इन दोनों टाइप्स को स्टडी करने से हमें आइडिया होता है कि आपकी जो पैरेलल कम्युनिकेशन है ये फास्ट होती है और जो सीरियल कम्युनिकेशन है ये स्लोअर होती है। और कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर मोर नंबर ऑफ वायर्स इस्तेमाल होंगे और ये थोड़ी सी चीपर है क्योंकि इसके अंदर सिंगल वायर को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद है जी वेज ऑफ क्लासिफाइंग डाटा कम्युनिकेशन फ्लो, जिसमें हमारे पास एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फ्लो है और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फ्लो है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन फ्लो के अंदर जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो करेक्टर बाय करेक्टर परफॉर्म की जा रही होती है और इसके अंदर जब डाटा जो है या करेक्टर्स आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं उनके दरमियान इररेगुलर गैप्स हैं वो मौजूद होते हैं। ये चीपर टू इम्प्लीमेंट है, उसका रीज़न ये है कि जब आप डाटा को सेंड करते हैं तो सेंड करने से पहले आप उसको सेव नहीं कर रहे होते। उसके बाद हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फ्लो की बारी आती है, जिसके अंदर जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक परफॉर्म की जा रही होती है और इसके अंदर जो ईच ब्लॉक है उसके अंदर मैनी करेक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं और इसके अंदर हम टाइमिंग ऑफ बिट्स जिनको हम सेंड कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। वंस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास जो भी नंबर हो आप उस नंबर के अंदर 1 को रिप्लेस कर दें 0 के साथ और जहाँ जहाँ पे 0 है आप उसको 1 के साथ रिप्लेस कर दें। इट मीन जो पहला 1 है वो रिप्लेस हो गया 0 के साथ, जो दूसरा 0 है वो 1 के साथ रिप्लेस हो गया, जो तीसरा 0 है वो भी 1 के साथ, 4th 0 जो है वो भी 1 के साथ और लास्ट वाला 1 जो है वो 0 के साथ। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट से हमारे पास 0011 है, आप इसको वंस कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो तमाम 1 0s के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और तमाम 1s जो हैं वो 0s के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0011 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास 2s कम्प्लीमेंट का,
किसी भी नंबर का टूज कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका वंस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। और वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जितने भी वंस होते हैं उनको जीरोज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी जीरोज़ होते हैं उनको वंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम जो एक्सट्रीम राइट बिट है उसके अंदर वन को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक नंबर है 1001, आप इसका वंस कम्प्लीमेंट फाउंड आउट करते हैं तो आपके पास 0110 आता है, और जब आप उसके अंदर वन को ऐड करते हो एक्सट्रीम राइट बिट पे तो आपका फाइनल आंसर जो है 10010 आ जाता है। उसके अलावा टूज कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसके अंदर हमें वंस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लेट से हमारे पास नंबर है 1001 और 0, ठीक है। आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाना है और उस टाइम तक आप नंबर ऑफ बिट्स सेम टू सेम वही रखेंगे जब तक आपके पास पहला वन नहीं आ जाता। जैसे ही आपके पास पहला वन आएगा उसके बाद तमाम जो जीरोज़ हैं वो वंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और तमाम वंस जो हैं वो जीरोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो पहला हमारे पास जीरो है, हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास वन आ गया है, आप वन को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस वन के बाद जितने भी जीरोज़ होंगे वो वन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और जितने वन है वो जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन यहाँ पे ये वाला वन जो है, ये वाला जीरो जो है वन के अंदर कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट जीरो जो है वो भी वन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट वन जो है वो आपका जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10010 का जो टूज कम्प्लीमेंट है वो आपके पास 0110 आएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम है, ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होती है जो कि आपके सेट ऑफ डिजिट्स को नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास नंबर सिस्टम कई किस्म के हैं, जिनमें हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस जो है वो हमारे पास 2 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 है, डेसिमल की हमारे पास 10 है, जबकि हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास 16 है। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन तीनों में से कोई भी नंबर सिस्टम हो और उसको आप डेसिमल के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या मेथड है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि उस नंबर के अंदर जो ईच बिट होता है उसको हम बेस की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसमें एन जो है वो आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसमें जो जीरो है वो आपका एक्सट्रीम राइट हैंड साइड की जो बिट होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम तमाम रिजल्ट को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एक बाइनरी नंबर है और उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर कन्वर्जन के अंदर। आप सिंपली क्या करेंगे, हर डिजिट को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्योंकि 2 होती है, इस वजह से हम हर नंबर को 2 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। और इसमें एक्सट्रीम जो राइट हैंड साइड पे बिट है उसकी पोजीशन हम 0 कंसीडर करते हैं, इट मीन हम वहाँ पे उसको 2 की पावर 0 कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगला जो है 1 पोजीशन पे आएगा, 0 2 पे आएगा, 1 जो है वो 3 पे आएगा, नेक्स्ट 0 4th पोजीशन पे आएगा और नेक्स्ट 1 जो है वो 5th पोजीशन पे आएगा। आप इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, हमें पता है कि 2 की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो आपके पास 1 की इक्विवेलेंट होती है। इट मीन 1 × 1 ये 1 आ जाएगा। उसके बाद आप इस तमाम रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू जो है आपके पास 43 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ऑक्टल नंबर सिस्टम हमें गिवन है और उसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने सिंपली क्या किया, हर डिजिट को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर जो बिट है वो 0 पोजीशन पे है, उसके बाद 1 पोजीशन पे और उसके बाद 2nd पोजीशन पे है। आप सिंपली क्या करेंगे, इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप इन तमाम का रिजल्ट ऐड करेंगे तो 468 to the base 10 ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है और उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। आप सिंपली क्या करेंगे, ईच डिजिट को हम उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हेक्साडेसिमल के अंदर हमें पता है कि ए जो है वो आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी आपका 11 को रिप्रेजेंट करता है, सी आपका 12 को रिप्रेजेंट करता है, डी 13, ई 14 और एफ जो है वो आपका 15 को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स आप हर करेक्टर को उसमें कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद आप उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 2748 to the base 10 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या फिर ऑक्टल कन्वर्जन आती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ईच हेक्साडेसिमल डिजिट को हम कन्वर्ट करते हैं 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी के अंदर और उसके लिए हम इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे। लेट से हमारे पास एक नंबर है 10 ए एंड एफ जिसकी बेस 16 है और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। अब इसमें सिंपली क्या करेंगे, हम हर डिजिट को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और वो कन्वर्जन हम इस टेबल के थ्रू करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि 1 जो है 1 इक्विवेलेंट है आपके पास
ट्रिपल जीरो वन के। जीरो जो है वो आपका टेट्रा जीरो के इक्विवेलेंट है, ए जो है वो आपका 1010 के इक्विवेलेंट है और एफ जो है आपका टेट्रा वन के इक्विवेलेंट है। हम सिंपली क्या करेंगे, उन तमाम को वन बाय वन लिख लेंगे और उसके बाद वही नंबर आपका बाइनरी के अंदर करेक्ट आंसर कहलाएगा। अब इसी को अगर आपने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, इट मीन जब आप हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट होंगे तो पहले आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो भी आपके पास आंसर आएगा आप उस आंसर को 33 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे इन तीन बिट्स का एक पैटर्न बनेगा, उसके बाद ये तीन बिट्स आएंगी, फिर नेक्स्ट 3 बिट्स आएंगी, फिर ये वाली तीन बिट्स और ये वाली तीन बिट्स। आगे क्योंकि ज़ीरो है इसके अंदर सिंगल ही बिट है तो दो बिट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी और उसके बाद हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन वाला टेबल यूज़ करेंगे जिसके अंदर ये आपका 7 के इक्विवेलेंट बनता है, ये 5 के इक्विवेलेंट है, ये 2 के इक्विवेलेंट है, ये 0 के इक्विवेलेंट है, ये 1 के इक्विवेलेंट है और ये भी 0 के इक्विवेलेंट है। इस 0 को हम एक्सक्लूड कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 10257 to the base 8। ऑक्टल टू बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ईच ऑक्टल डिजिट को कन्वर्ट करते हैं 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर और इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक नंबर है 705 और इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में, हम सिंपली क्या करेंगे, इसका जो ईच डिजिट है उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट के साथ रिप्लेस कर देते हैं और इस टेबल की रूट है जो 7 है वो इक्विवेलेंट है 111 के, 0 जो है वो 000 के इक्विवेलेंट है और 5 जो है वो 101 के इक्विवेलेंट है। तो यही आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन का करेक्ट आंसर आएगा। अब इसी नंबर को लेट्स से आप हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप आंसर को 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इट मीन आप 4-4 बिट्स का पैटर्न बनाएंगे जो कि इस केस में आपके पास एक ये बिट बन रही है, एक बिट आपके पास ये बन रही है और एंड पे क्योंकि आपके पास सिंगल बिट बची है तो आप 3 जीरो जो है वो खुद से ऐड करेंगे तो आपके पास 3rd बिट एक और आ जाएगी। उसके बाद हम हेक्साडेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन वाला टेबल जो है उसको यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली ये आपका 5 के इक्विवेलेंट आता है, ये आपका सी के इक्विवेलेंट आता है और ये आपका 1 के इक्विवेलेंट आता है। इट मीन्स कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 1C5 to the base 16 आंसर आएगा इसका। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।